जिला बिलासपुर के स्वारघाट में सांसद अनुराग ठाकुर ने श्रम एवं कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम में भाग लिया और 100 महिलाओं को साइकिलें प्रदान की, जबकि 200 अन्य महिलाओं को अन्य सामान वितरित किए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष शर्मा भी मौजूद रहे। सांसद अनुराग ठाकुर ने जिला बिलासपुर के दौरे के दौरान स्वारघाट में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बिना किसी शर्त वापस किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे अपने परमवीर योद्धा अभिनंदन की वापसी का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के ही कारण ये सब संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया, जिस कारण मात्र 3 दिन में हमारा योद्धा घर वापस लौटा है। हालांकि उन्होंने कहा कि विपक्षी कुछ दल इसका श्रेय पाकिस्तान को भी देने में लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी इसका श्रेय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि हर बात का श्रेय वे भारत सरकार को नहीं देना चाहते हैं और विपक्षी दल इसमें आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के पूरे देश इस समय भारत के समर्थन में खड़े हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी है। हमारे साथ खड़ी है क्योंकि पाकिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होती है और ये दबाव जब पाकिस्तान के ऊपर पूरी भारत सरकार ने बनाया, दुख इस बात का है कुछ विपक्षी दल अपनी राजनीति करने के लिए एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करते हैं जिससे पाकिस्तान में खुशी मचती है और पाकिस्तान और भारत की बदनामी होती है। दुख इस बात का है कि संकट की घड़ी में कांग्रेस और विपक्षी दल देश के साथ नहीं खड़े। तब से अभिनंदन जी की वापसी पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा था और मोदी सरकार ने दबाव बनाकर कूटनीति से और जेनेवा संधि के अनुसार मात्र 3 दिन के अंदर अपने शूरवीर अपने योद्धा को हिंदुस्तान वापस लाई। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। समस्त भारत उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। दुख इस बात का है जब कुछ विपक्षी दल इसका श्रेय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देते हैं। राजनीति के स्तर तक गिरेगी कि पाकिस्तान हर दूसरे दिन उसकी जमीन से आतंकवाद इतना फैलता है, हिंदुस्तान में लोगों की जान जाती है, हमारे सैनिकों की जान जाती है, उनको श्रेय देते हैं। अरे श्रेय देना है तो अपनी देश की सरकार को और भारत को देना चाहिए, जिनके साथ पूरी दुनिया के देश आकर खड़े हो गए, पाकिस्तान पर दबाव बना और पाकिस्तान को झुकना पड़ा। और यही नहीं, धन्यवाद ही तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान का होना चाहिए कि 71 के युद्ध के बाद 93,000 सैनिक हमने लौटाए थे।